ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चों, आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो क्लास ट्वेल्थ के लिए है। चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर थर्ड है। टॉपिक की बात करें तो है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आखिरकार बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या महत्वता है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप में क्या रोल अदा करता है। क्योंकि मैं चौपाइयों से पढ़ाता हूँ और आपको चौपाइयाँ याद हो जाती है, तो आज की चौपाई आप देख सकते हैं क्या लिखा है। हाय ही हा, गाना सुना होगा लड़की आँख मारे, उसमें क्या बोलता है ही हा ही हा, ऐसे कुछ बोलता है ना। मेरे को मालूम नहीं है, पर तुम लोग गाना लोग सुनते हो, जो भी गाना जो सुनते हो ना, तो गाना में क्या बोलता है ही हा, तो वो देखो ही हा। हाय, सो एवरीबडी हाय ही हा, तो बहुत ही सिंपल मैंने इसका चौपाई बनाई है, हाय ही हा। सो यू लर्न लाइक दैट कि चौपाई जो है इंपॉर्टेंस की, वैसे याद करना है ही हाय ही हा। सो व्हाट यू डू इज यू गो विद द कैपिटल लेटर हाय ही हा। सो फ्रॉम द एच वट एवर देयर आर थ्री यू नो एलिमेंट्स फ्रॉम एच, दिस वन टू थर्ड फोर्थ, सो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गो। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो माइसेल बी एस राजप्रोहित, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स एंड द श्री बिजनेस चालीसा। ओके, सो इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं। द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज मस्ट फॉर एवरी बिजनेस। हर बिजनेस को अपना जो अवेयरनेस है, बिजनेस के माहौल को लेकर समझना बहुत जरूरी है। उसको इग्नोर नहीं करना है, अवेयरनेस को समझना है, इग्नोर नहीं करना है। एज बिजनेस एनवायरमेंट कैन थ्रो द बिजनेस आउट फ्रॉम द मार्केट, बहुत बढ़िया। बिजनेस का जो माहौल है वो बिजनेस को बाहर फेंक देता है, बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंस का एक बहुत गजब का नुस्खा, अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो आप बिजनेस को वो बाहर फेंक देगा। चलिए आगे, मार्केट से आप बाहर चले जाएंगे अगर आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे बिजनेस माहौल को। फ्रॉम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस अबाउट द बिजनेस एनवायरमेंट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट। अगर आप ढंग से उसको समझते हैं और आप अवेयर रहते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। सो अब उसको आप समझते हैं, आपको फायदा होने वाला है, तो बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूव एडवांटेज। बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट। एनेबल्स का मतलब होता है मदद करता है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं, उसको इग्नोर नहीं करते हैं, ढंग से समझते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको फायदा क्या होता है, आपको वो मदद करता है कि अभी क्या अपॉर्चुनिटी है और मैं उसको सबसे पहले ग्रैब कैसे करूं। The businessman who are able to understand and scan the opportunity of business environment at early stage, सबसे पहले अगर वो कर लेते हैं तो maximum फायदा उठा लेते हैं और वो लोग कैप्चर कर लेते हैं एक बड़ा शेयर मार्केट में कि भाई हम लोग के बच्चों को वो कैप्चर कर लेते हैं एक बड़ा शेयर मार्केट में। जो बिजनेसमैन होते हैं दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर, वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाते हैं बिकॉज वो मार्केट का शेयर कैप्चर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया उन्होंने, मारुति वॉज द फर्स्ट कंपनी टू रिकोगनाइज द नीड फॉर स्मॉल कार। मारुति ने सबसे पहले देखा कि हिंदुस्तान में स्मॉल कार्स की बहुत भरमार डिमांड है, तो उन्होंने सबसे पहले देखा और राइजिंग पेट्रोल प्राइस को देखा, तो लार्ज मिडिल क्लास को इंडिया में देखा बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने एक लीडर के रूप में उभरती वो निकली बिकॉज ने स्मॉल कार कैप्चर कर ली। आपको पता है मारुति 800, मारुति जो छोटी गाड़ी आती है मारुति की, आज भी आप देखते हैं बड़ी सुंदर अच्छी होती है। सो उनको पता लग गया मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा इंडिया में। सेम वे व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर द मोबाइल चैट, व्हाट्सएप पहला था मोबाइल चैट के लिए। आफ्टरवर्ड बहुत सारी एप्लीकेशन आई लेकिन आज भी व्हाट्सएप इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का नंबर वन है मोबाइल चैट में। So you got this, so whenever company understand what is the need of the consumers overall in the market, so you definitely capture the share, right? Chalte hain aage. Helps the firms to identify the threats at the early warning signal. Jaise opportunity pata lag jati hai aur uspe aap grab kar lete hain.
सेम ऐसे ही अगर फर्म को पता लग जाए कुछ कि कहां से मुझे थ्रेट्स मिल सकती है, तो वो अर्ली वार्निंग सिग्नल, उसको पहले फटाफट सिग्नल मिल जाता है। जैसे अगर आप सोचिए कोई गाय आपके सामने खड़ी है, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, तो आपको सिग्नल मिल जाएगा कि मुझे गाड़ी धीरे कर लेना चाहिए। ओके, द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन, वो बिजनेसमैन जो स्कैन कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं बिजनेस के माहौल को जल्दी, उनको एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है और वो कैसे डील करेंगे अपने इस थ्रेट्स, मतलब कैसे डील करेंगे इस नेगेटिव माहौल को, उसके लिए वो कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाते हैं। टाइमली स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन विच बिजनेसमैन गेट इज टेकन एज अ वार्निंग सिग्नल, उसको फटाफट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अगर मिल जाती है तो वो वार्निंग सिग्नल में होता है, उसके लिए उसको लोग पता लग जाता है, वो चेंजेस करता है अपनी कंपनीज के अंदर मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑन स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट द मारुति उद्योग कंपनी गॉट द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट द मोर फॉरेन कार का मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर गोइंग टू सेटअप इन बिजनेस इन इंडिया, दे टुक एट अ वार्निंग सिग्नल एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। द मारुति कंपनी एक्सेप्टेड द एंट्री ऑफ फॉरेन कार कंपनीज एज वार्निंग सिग्नल। बहुत बढ़िया, जब मारुति को पता लग गया कि बॉर भी कंपनी इंडिया में एक दो सालों में आने वाली, तो उन्होंने फटाफट इंट्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया। क्यों यार, गाड़ी हर घर का स्टेटस हो गई थी, गाड़ी हर घर की नीड हो गई थी, सबको गाड़ी चाहिए थी, तो इतनी तादाद में, आज ही मैं आपको बता दूं मारुति पर ईयर 7 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन करती है, 7 लाख कार्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इतनी तादाद में कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो उस टाइम मारुति को पता लग गया इंडिया में बहुत ज़्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड है, और अगर एक बार सारी थोड़ी सब जगह थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ पहुँच गई थ्रू आउट द इंडिया, तो लोगों को क्या होगा, जो गाड़ी पहले आएगी लोग उस पर ही नज़र जमाएंगे, ये अच्छी है यही लेनी है, ऐसा होता है सभी जगह पे होता है। जब कोई चीज़ नहीं होती है और कोई चीज़ आ जाए तो उस पर विश्वास जम जाता है, दूसरी पर विश्वास कम जमता है। तो इसका मतलब एक वार्निंग सिग्नल मिल गया था मारुति को कि दूसरी कंपनियाँ भी आ रही है, तो उन्होंने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, उससे क्या हुआ जब वो आएगी तब उनके आर्टिकल को जब बिकने के लिए जगह ही नहीं बची, बिकॉज पहले ही ऑलरेडी काफ़ी लॉन्चिंग उन्होंने कर चुकी थी अपनी गाड़ियों की मारुति ने, वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे थे। सो इंक्रीज देयर प्रोडक्शन टू सप्लाई द कार विदाउट एनी वेटिंग पीरियड, फटाफट वेटिंग ना करते हुए फटाफट अपनी कार बना के बेचनी शुरू कर दी मारुति ने। देखो कितनी होशियार है मारुति। सो हेल्पिंग इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट, बिजनेसमैन को वही माल सप्लाई करना चाहिए जो मार्केट की डिमांड हो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ और आपको, एक बल्ब होता है, आपने घरों में देखा भी होगा, अभी भी मिलते हैं बल्ब्स, बल्ब चला गया तो आपको पता होगा मैं क्या कहूँ उसको, फ्लोरेसेंट लैम्प आया, फ्लोरेसेंट जो CFL कह सकते हैं हम, CFL आने के बाद अभी LEDs आ गई हैं, जो ये बल्ब अभी टेक्नोलॉजी आई है वो LEDs है, चेंजेस आ गए ना, ऐसा ही होता है। अब आप मार्केट में कोई जाके बोले मुझे बल्ब चाहिए, तो वो क्या बोलेगा कस्टमर कि सर बल्ब तो नहीं है, क्योंकि जो डिमांड होगी ना कस्टमर की वही आपको देना पड़ेगा। तो सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट, अब जो अगर आप कुछ देना चाहते हैं, आपको इनपुट चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तो जो कच्चा माल आप लाएंगे या अदर कुछ रिसोर्स आएंगे, तो आप अपनी माइंड में ये बात ध्यान रखें कि जो भी डिमांड है उसके अनुसार आप खरीदें। आप रिसोर्स अवेलेबिलिटी का ध्यान दें, फॉर एग्जांपल विद द डिमांड ऑफ LED, आपने देखा LED डिमांड थ्री डी टीवी की डिमांड मैन्युफैक्चरिंग हुई, समय के साथ साथ जो डिमांड होती गई मैन्युफैक्चरिंग होती गई, और वैसे समय के साथ साथ चीज़ें बिकती गई। तो आपको क्या करना है, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबली रिसोर्स का मतलब हुआ आपको ये देखना है बाजार की क्या डिमांड है, तो उसके अनुसार ही आपको रिसोर्स खरीदना है, बिकॉज उसी से मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो डिमांड आपको पूरी करनी पड़ेगी। बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल्स वेरियस रिसोर्स सच एज अ फाइनेंस, रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, वाटर, द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेक पॉलिसी सो दैट it get the resource that it need to convert into output desired by environment. तो जो organization है उसकी बारे में बात हो रही है कि संस्था को resource का इंतजाम करना चाहिए, कौन सा requirement है उसी के अनुसार ही वो output दे पाएगा।
एनवायरमेंट को अच्छी तरीके से वो स्टडी कर ले, उसको ऑफर बना ले। नेक्स्ट पॉइंट अब बात करते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। एक और बहुत अच्छी बात है, बिजनेसमैन को ये सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं मैं अपना प्रोडक्ट बेच दूंगा, डिमांड तो बल्ब की नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं बल्ब बनाऊंगा और बेचूंगा। नहीं नहीं नहीं, एज पर द डिमांड यू शुड मोल्ड योर थिंग्स। आपको एडजस्ट होना बहुत जरूरी है और आपको रैपिड चेंजेस को आपको देखना है। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एवरी फास्ट, हर जगह चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना बढ़िया, कि बिजनेस स्कैन करने के बाद कंपनियां समझें कि हमें क्या करना है, उसके अनुसार निर्णय लें, दोनों चीज़ों को देखें, इंटरनल इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके अनुसार चेंजेस करें। एग्जाम्पल लेते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन इंक्रीज होने से कस्टमर आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग एंड इट हैज बिकम इसेंशियल फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज टू अडॉप्ट रैपिडली चेंजेस। कॉम्पिटिशन होने के कारण क्या है, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत फास्ट कॉम्पिटिशन। आप अब मैं मोबाइल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं हर महीने न्यू लॉन्चिंग होता है मोबाइल, कभी सैमसंग लॉन्च कर रही है, कभी MI लॉन्च कर रही है, कभी एप्पल लॉन्च कर रही है, कभी वीवो लॉन्च कर रही है, कभी ओप्पो लॉन्च कर रही है, कभी पता नहीं क्या क्या लॉन्च हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे मैंने लिया एक मोबाइल, 10 दिन बाद कोई नया आएगा वो ले लेगा, वो बोलेगा अरे यार इसमें ये नहीं था, इसमें ये है, सो मैं लेटेस्ट में हूँ। सो इस तरीके की एक होड़ चल रही है टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ऐसे में आपको क्या होता है, रैपिड चेंजेस करने पड़ते हैं बिकॉज अब कस्टमर की डिमांड हो गई है। आगे बात करते हैं, फिफ्थ असिस्टेंट असिस्टिंग इन द प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग क्या है। अगर आप बिजनेस के माहौल की इंपॉर्टेंस समझें, अगर आप बिजनेस का माहौल ये समझते हैं कि नहीं वाकई मुझे समझना चाहिए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको बिजनेस का माहौल पढ़ने के बाद आपको ये मदद मिलेगी, मुझे प्लानिंग और पॉलिसीज करने से मदद मिलता है। बिल्कुल यार, आप कोई चीज़ प्लान करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले सोचेंगे ना कि माहौल क्या है। द मेजर स्ट्रेटेजी ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म कीपिंग इन द माइंड बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी पॉलिसीज और प्लान्स जब बनते हैं मेजर बड़े, तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना पड़ता है, बिकॉज पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है एनवायरनमेंट फैक्टर को देखते हुए। सो दीज मस्ट बी मेड कीपिंग इन माइंड द एनवायरनमेंट फैक्टर्स, एनवायरनमेंट फैक्टर को देख के करना पड़ता है। स्कैनिंग ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस। स्कैनिंग से बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में मदद मिलती है और आप ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल एक देखिए बहुत शानदार, स्कैनिंग ऑफ इंडिया बिजनेस एनवायरमेंट वी फाइंड देयर इज ग्रेट स्कोप इन टूरिज्म। इंडिया को एनवायरमेंट को स्कैन करने पता लगा इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। सो बिजनेसमैन आर प्लानिंग स्ट्रेटेजी टू ग्रैप दिस अपॉर्चुनिटी। तो बिजनेसमैन क्या करें, स्ट्रेटेजी को प्लानिंग स्ट्रेटेजी को ग्रैप करना, तो बिजनेसमैन क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि प्लानिंग स्ट्रेटेजी को ग्रैप कैसे करें। वेरियस होटल्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ITC ग्रुप्स आर मेकिंग न्यू स्ट्रेटेजी फॉर टूरिस्ट। ये लोग टूरिस्ट के लिए बड़े बड़े अपने स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। देयर इज अ सेपरेट ट्रेवल सेगमेंट सेटअप एंड सेपरेट लीजर लेजियो। तो सेपरेट एक ट्रेवल सेगमेंट और सेपरेट लेजर एंड फन सेगमेंट चीज़ें बनने लग गई आजकल है, ताकि आपको सब कुछ एक ही जगह पर अवेलेबल हो और आप इंजॉय कर पाएँ। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस लास्ट पॉइंट है, इम्प्रूवमेंट। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस परफॉर्मेंस में। कैसे, कंटिन्यू स्कैन करने पे कंपनी इजीली इंप्रूव कर सकती है अपनी परफॉर्मेंस। उससे क्या होगा, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को देखते हुए बिजनेस अपनी प्लानिंग चेंजेस कर लेगा, चेंजेस में अडप्ट हो जाएगा और अपने चेंजेस को इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैच कर लेगा, तो संस्था ग्रो कर जाएगी मार्केट में और उसका शेयर बढ़ जाएगा। ये बहुत टिपिकल पार्ट है, कई बार बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मैंने आपको बहुत स्लो वर्जन में लाइन टू लाइन पढ़ाया है। अभी कई टीचर्स क्या करेंगे, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब में जो टीचर्स हैं वो सब लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में बोर्ड पे एक लाइन लिखते हैं, दो लाइन लिखते हैं, हुहा बोलते हैं, चले जाते हैं। अभी मैं आपको ट्रूली बता दूँ, 90+ लाना इतना आसान नहीं है और सब लोग टीचर क्या सोच रहे हैं कि ऐसे ही हम ला देंगे। मैं बोलूँ नहीं, आपको बुक तो पढ़ना पड़ेगा लाइन टू लाइन,
मेरा यह मानना है आप लोगों सबको बुक्स तो पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ गोला लगा के इम्पोर्टेंट दिखा के, वैसे आपको सब कुछ अपना घर पे मेरे से देखने के बाद फिर पढ़ना है और फिर आपको ये महसूस करना है कि वाकई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आप आराम से इसको एक दो बार आप याद करेंगे, हा ही हा हाय ही हा, तो एस से हेल्प्स इन फॉर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट, ऐसे करके आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। फिर क्या करें, पढ़ने के बाद सुबह कोई भी स्कूल में आप कोई भी सीबीएसई स्ट्रीम में किसी भी जगह पे इंडिया पे किसी भी कोने में हो, बहुत आसान है पढ़ना, इतना टिपिकल आपको तरीका आना चाहिए। बस लोग तरीका नहीं बताते हैं, लोग बोलते हैं पढ़ लेना, ऐसा नहीं होता। सो व्हाट यू हैव टू डू, एक काम कीजिए, आप जब पढ़ते अपने फ्रेंड्स को पहले बोलिए कि यार ये वीडियो है ना, आज हम लोग जो देख रहे हैं वो सर का वीडियो इस टॉपिक पे देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यूट्यूब में तू भी देखना मैं भी देखूंगी, है ना। उसके बाद आप क्या करें, उसको देखने के बाद अगले दिन क्लास में आके पूछें, चलो इंपॉर्टेंस का तेरे को चौपाई याद है, बोला हाँ याद है, बोला बता हा ही हा, हो गया याद। अब उसका फुल फॉर्म पूछ लें, फिर आप दो दो टॉपिक लें, जैसे हाय का पूछें उसमें क्या बोला गया है, फिर ही का पूछें क्या बोला गया है, और फिर हाँ का पूछें क्या बोला गया है। तो क्या हुआ आपका प्लानिंग इज़ वेरी सुपर्ब, नो एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नो आज शाम को बिजनेस कैसे पढ़ना है, कि BSR सर जो पढ़ाते हैं लेट्स टू कॉमर्स में वीडियो देखना है, सुबह जाके क्लास में उसका चौपाई को पूछना है, और फिर हेडलाइंस याद हो गई और उसके अंदर का मटेरियल थोड़ा थोड़ा करके पूछ के याद किया, तो अगले दिन आपका काम भी हो गया और लर्न भी हो गया। अभी वो टाइम चला गया क्या कॉपी में लिख लिख के पढ़ने वाला, स्टैंडर्ड टाइम आ गया, याद करना समझना, अंडरस्टैंडिंग बेस एजुकेशन होती जा रही है। अब जो नई पॉलिसी आ रही हो तो और टिपिकल है, तो मैं आपसे ये कहूँगा आप अपने आप को चेंज कीजिए and be ready for the CBSE 2020-21 exam, and I assure you, मैं पक्का करता हूँ इंडिया में बोर्ड टीचर ऐसा नहीं बोलेंगे, मैं पक्का करता हूँ 90 प्लस आपका लाना बहुत आसान है, बस मैं बोलता हूँ वैसे चलते रहिए, ठीक है। इतना ही कहूँगा बच्चों, मेरे साथ बने रहिए, लेट्स टू कॉमर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो मेरा नंबर आप सबको मालूम है, अभी मैं इधर इसमें डालता नहीं हूँ, पिछले वीडियो में डाला हुआ है, आप लिख सकते हैं 9166466410। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कनेक्ट टू मी, कॉन्टैक्ट टू मी, आस्क मी how to get you know planned, how to do the studies, it's very very easy to get 90 plus। ab ek baat aur kahunga jane se pehle, agla topic hum padhenge dimension of business environment, aur uske baad hum padhenge new policy, aur fir ye chapter khatam ho jayega, do topic aur hai, because ye jo topic hai wo reduce wale mein, isme reduce kiya kuch abhi isi 30% covid-19 mein, so mere sath bane rahiye with let's do comments, okay student, bye from my side, thank you very much, bye bye।